गाइस, आज हम देखने वाले हैं लारावेल में कि एपीआई की वैलिडेशन कैसे की जाए, मतलब जो डेटा आता है एपीआई में वो कैसे वैलिडेट किया जाए। ठीक है, तो सिंपल है, हमारे स्टेप्स रहेंगे, राउट्स हम क्रिएट करेंगे, वैलिडेशन कैसे करते हैं डेटा पर ऐड वो देखेंगे, एंड देन सेव कराएंगे हम अपना रिकॉर्ड। जब वैलिडेशन अगर परफेक्ट वे में चल जाती है, एंड देन चेक करेंगे पोस्टमैन में। ठीक है, तो यहाँ पर ये डेटाबेस है जिसमें हमने ऑलरेडी ऑपरेशंस लगाए हुए हैं, गेट पोस्ट पुट डिलीट, ठीक है, ऑलरेडी लगाए हुए हैं, जिसमें आज हम देखने वाले हैं फिल्टर होकर के डेटा इसमें सेव हो। तो ये हमारी पोस्ट देख सकते हैं, यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट देखी थी हमने, यहाँ पे पोस्ट देखी थी, अब पुट देखी थी, डिलीट देखी थी, और ये सर्च वाली देखी थी। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे एक यूआरएल क्रिएट करने वाले हैं, जो कि क्या होने वाला है, यहाँ पे मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि यहाँ से हम पोस्ट मेथड के द्वारा डेटा भेजेंगे और जो कि वैलिडेट होकर के जाएगा। ठीक है, इसका मैं नेम रख लेता हूँ राउटर का स्टूडेंट वैलिडेट, ठीक है, जो कि हमारे स्टूडेंट को वैलिडेट करके यहाँ से डेटा को पास करने वाला। तो मैं जल्दी से चलता हूँ अपने राउट्स में, तो जो हमारी एपीआई डॉट पीएचपी फाइल है उसी में चलेंगे हम। एंड देन सिंपल मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे एक राउट बनाऊंगा, राउट कॉलन कॉलन पोस्ट, एंड देन यहाँ पे जो हम ये यूआरएल बना रहे हैं, मतलब तो यहीं पे हम पास कर देते हैं स्टूडेंट वैलिडेट, एंड देन यहाँ पे पास कर देते हैं स्टूडेंट कंट्रोलर। ये ध्यान रखिएगा कि आपने पिछले ट्यूटोरियल्स हमारे देख रखे हों जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप चलते आ रहे हैं। ठीक है, जिसमें हमने ऑलरेडी देखा हुआ है ये सारे हमने कैसे क्रिएट किए हैं, जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं पोस्ट पुट डिलीट गेट, ये हमने सारे ऑलरेडी कवर किए हुए हैं। तो स्टूडेंट वैलिडेट नाम का हम यहाँ पे जो है मेथड बनाने वाले हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट वैलिडेट का नाम का जो मेथड बनाएंगे वो हम बनाएंगे यहाँ पे नीचे, तो पब्लिक, ये हमने ऑलरेडी मेथड बनाए हुए हैं जो कि आपको पिछले ट्यूटोरियल देखे होंगे तो आपको कवर होंगे। ठीक है, कि कैसे हमने यहाँ पे स्टूडेंट को डिलीट किया, अपडेट किया, एंड देन क्रिएट किया। तो यहाँ पे हम रिक्वेस्ट क्लास का एक वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं यहाँ पे, एंड देन यहाँ पे हमने रिक्वेस्ट नाम का एक यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन कर दिया। ठीक है, एंड देन अब जो डेटा आएगा उसको हम यहाँ पे वैलिडेट करने वाले हैं। ठीक है, तो वैलिडेट कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे वैलिडेटर क्लास, वैलिडेटर, सॉरी ई आ गई इसमें। अब जो डेटा आ रहा है वो आ रहा है हमारा, बेसिकली क्या क्या आएगा देखिए, बेसिकली हमारा जो डेटाबेस में है नेम एंड ईमेल, तो हम इन दोनों को क्या करने वाले हैं यहाँ पे वेरीफाई, मतलब बढ़िया तरीके से वर्क करें। तो हम यहाँ पे बॉडी में जाएंगे, डेटा हम यहाँ पे रो सिलेक्ट करेंगे, एंड देन टेक्स्ट जेसन, जो कि हमने ऑलरेडी बताया हुआ है कि कैसे आप यहाँ से डेटा भेज रहे होते हैं। ठीक है, तो पिछले ट्यूटोरियल्स काफी इंपॉर्टेंट हैं। देखिए नेम, अभी मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं भेज रहा, एंड देन ईमेल कुछ भी नहीं भेज रहा। ठीक है, तो अब देखिए कुछ नहीं भेज रहा हूँ, तो यहाँ से जो है मेरे को अभी देखिए, अभी तो फिलहाल में कुछ नहीं है यहाँ पे, आपको एम्प्टी मिल रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे जो है नेम अगर एम्प्टी है, ईमेल एम्प्टी है, तो ये रिक्वायर्ड होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे रूल्स डिफाइन कर देते हैं अपने कि हाँ ये चीजें हमारी रिक्वायर्ड होनी चाहिए। ठीक है, तो रूल्स इज इक्वल टू एक एरे बनाएंगे जिसके अंदर हम अपनी की एंड वैल्यूज पास करेंगे। ठीक है, तो नेम जो आ रहा है हमारा ये नेम और ये नेम सेम होना चाहिए जो कि आपका है की का, एंड देन जो कि हमारा रहेगा रिक्वायर्ड। ठीक है, ये आपको पास करना रिक्वायर्ड, एंड ईमेल भी आपका रहेगा रिक्वायर्ड। देखिए हम ईमेल को पूरे तरीके से वैलिडेट करेंगे क्योंकि अभी हमारी जो है ईमेल वैलिडेट नहीं हो रही है बढ़िया तरीके से। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि हम यहाँ पे एक वैलिडेटर क्लास को यूज कर रहे हैं, जैसा कि आपको ऊपर पता है, वैलिडेटर कॉलन कॉलन मेक, जिसके अंदर हम पास करने वाले हैं डॉलर आर रिक्वेस्ट का जो वेरिएबल है उसकी पूरी रिक्वेस्ट पास कर देते हैं, जितना भी डेटा आ रहा है उसको सभी को हम रिक्वायर्ड कर रहे हैं। तो डॉलर रूल्स पास करेंगे इसमें जो सेकंड आर्गुमेंट है, एंड देन इसको हम स्टोर कर लेते हैं किसी वेरिएबल में। ठीक है, डॉलर वैलिडेटर ये मैंने स्टोर कर लिया इसमें, एंड देन यहाँ पे मैं चेक करूंगा इफ डॉलर वैलिडेटर, यहाँ पे स्मॉल बी कर देता हूँ, डॉलर वैलिडेटर के पास एक मेथड होता है फेल्स। ठीक है गाइस, अगर ये फेल्स होता है तो यहाँ से क्या हो कि रिटर्न कर दे कुछ एरर्स, तो डॉलर वैलिडेटर के पास एक मेथड होता है एरर्स नाम का, जो कि आपको एरर्स शो कराएगा, मतलब सेंड कर देगा यहाँ से। एंड एल्स में हम यहाँ से क्या करने वाले हैं, रिटर्न करा देते हैं अभी सिंपल फिलहाल में एक छोटा सा एरे, जिसमें हम रिजल्ट में यहाँ पे लिख देते हैं वैलिडेट सक्सेस। ठीक है गाइस, अब देखिए अब हमारी बारी है इसको टेस्ट करने की। ठीक है,
तो मैं यहाँ पे चलता हूँ टर्मिनल में, थोड़ा ऑप्टिमाइज करूंगा प्रोजेक्ट को, क्योंकि यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट जो है काफी कैसे वगैरह ले लेता है। तो PHP आर्टिजन ऑप्टिमाइज, ये मैंने कर दिया ऑप्टिमाइज। एंड देन चलते हैं हम अपने पोस्ट API पर। तो मैं यहाँ से सेंड करता हूँ डेटा, तो डेटा देखिए यहाँ से एम्प्टी एम्प्टी जा रहा है। तो मेरे को रिक्वायर्ड बोलना चाहिए कि दिस नेम इज रिक्वायर्ड एंड देन ईमेल इज रिक्वायर्ड। तो अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है, वैलिडेटर नॉट फाउंड। तो यहाँ पे आ रही है आपकी स्टूडेंट कंट्रोल लाइन 63 में एरर, तो 63 ये रही। तो बेसिकली यहाँ पे वैलिडेटर है, वैलिडेटर ही कर दी था मैंने, तो ये मिस्टेक हो गई यहाँ पे। एंड देन हम अगेन सेंड करते हैं यहाँ से, तो देख सकते हैं यहाँ पे बोल रहा है द नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड, द ईमेल फील्ड इज रिक्वायर्ड, दोनों यहाँ पे रिक्वायर्ड रहेंगे। अगर आप यहाँ से कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं करते हैं तब भी ये बोलने वाला है। तो देखिए मैं यहाँ से नेम पास नहीं कर रहा हूँ, तो ये बोल रहा है नेम इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये आपको देखना पड़ेगा। एंड देन यहाँ से आप देखिए नेम मैं भेजता हूँ, एंड देन ईमेल भी मैं यहाँ से भेजता हूँ, ठीक है। अभी देखिए ये जो है ईमेल जो है गलत एक्सेप्ट कर रहा है। देखिए अब जो है हमारा रिजल्ट बोल रहा है वैलिडेट सक्सेस। अभी ऐसा नहीं होना चाहिए, ईमेल को बढ़िया तरीके से वैलिडेट करना चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे रिक्वायर्ड के आगे ईमेल, जिससे कि क्या होगा वो आपकी परफेक्ट ईमेल को वैलिडेट करेगा। तो मैं यहाँ से सेंड करता हूँ, तो ये ईमेल के बारे में बोल रहा है द ईमेल मस्ट बी अ वैलिड ईमेल एड्रेस। लाइक अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ कोई बढ़िया सी ईमेल लाइक संदीप एट द रेट, ठीक है, मैंने ये डाला एंड देन सेंड करता हूँ, तो ये ईमेल बढ़िया नहीं है अभी। तो मतलब इसने दोबारा से आपको बोल दिया कि ये ईमेल गलत है, तो यहाँ से आप बढ़िया ईमेल भेजें, ठीक है। तो यहाँ से मैंने भेजी, तो देख सकते हैं वैलिडेट सक्सेस हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए जैसे हमारे लाइक अगर मैं यहाँ पे देखूँ, तो जैसे मैंने यहाँ से सेंड किया, ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर जो है स्टेटस आपको 200 दिखाई दे रहा है, पर स्टेटस 200 नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे आना चाहिए था 401 स्टेटस, क्योंकि अभी देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि स्टेटस आपका 200 है। 200 जब आता है जब आपकी सक्सेसफुली क्वेरी जो है रन हो गई है, ठीक है, तो यहाँ पर 200 नहीं आना चाहिए। उसके रेस्पॉन्स को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, तो इस डॉलर वैलिडेटर को नहीं यूज करेंगे अभी हम यहाँ पे यूज करेंगे रेस्पॉन्स, ठीक है। तो रेस्पॉन्स एंड देन ये स्लैश गलती से आ गया, तो रेस्पॉन्स के पास एक जेसन नाम का यहाँ पे मेथड होता है, जिसके अंदर हम क्या पास करेंगे डॉलर वैलिडेटर, और यहाँ पे हमारी जो एरर्स हैं वो पास कर देंगे जो कि हमारी एरर्स शो कराए, ठीक है। एंड देन कॉमा लगा करके हम यहाँ पे पास कर देंगे 401, ठीक है, जिससे कि क्या होगा 401 नाम का स्टेटस यहाँ से जाएगा। तो सेंड करता हूँ मैं यहाँ पे, देखना अभी जो स्टेटस आ रहा है देख सकते हैं अनऑथराइज्ड, मतलब अभी आपका जो यूजर है वो ऑथराइज नहीं है, जो गलत डेटा भेज रहा है। तो 401 का स्टेटस यहाँ पे सेंड कर रहा है, ठीक है। ये आपको देखा कि रेस्पॉन्स कैसे हम यहाँ पे अपने आप से सेट कर पा रहे हैं। अब देखिए अगर रिजल्ट अगर सक्सेसफुल हो जाता है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं डॉलर स्टूडेंट को यहाँ पे एंटर करवा देते हैं, तो इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, एंड देन हमारा जो स्टूडेंट है उसका नेम इक्वल टू डॉलर REQ, नेम आ रहा है हमारा वहां से। एंड देन इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ ईमेल, एंड देन यहाँ से हमारी जो है ईमेल, ठीक है। एंड देन हम लास्ट में करेंगे डॉलर स्टूडेंट को क्या सेव, ठीक है गाइस, सेव किया। एंड देन यहाँ से जो है मैं रिटर्न रिजल्ट कराऊंगा, रिटर्न क्या रिजल्ट रिटर्न कराने वाला हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिजल्ट डेटा स्टूडेंट, लिख देता हूँ यहाँ पे स्टूडेंट हैज बीन एडेड, ठीक है गाइस। इतना काम करने के बाद देखिए पहले तो ये वैलिडेट करेगा आपका डेटा प्रॉपर वैलिडेट है या नहीं, अगर वैलिडेट होता है तो आपका जो स्टूडेंट है वो यहाँ से एंटर हो जाएगा। अभी देखिए फिलहाल में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे कम रिकॉर्ड्स हैं, तो यहाँ पर हम जो है रिकॉर्ड सेंड करते हैं। लाइक मैं यहाँ पे भेजता हूँ संजय, एंड देन संजय एट द रेट, ठीक है। अगर देखिए अभी फिलहाल में गलत है मेरी ईमेल, तो अभी यहाँ पे बोल रहा है 401 स्टेटस आ गया संजय एट द रेट gmail.com, ठीक है। सेंड करता हूँ, तो यहाँ से सेंड हुआ, तो स्टूडेंट हैज बिन एडेड। तो यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो संजय नाम का यहाँ पे जो है पर्सन आ चुका है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे हम वैलिडेट कर रहे होते हैं अपनी API को, और देखिए इसमें मैक्सिमम मिनिमम हम पास कर देते हैं। लाइक अगर आपको अगर कोई नंबर आता है आपका, तो यहाँ पे आप ऐसे लगाएं, नेम पर नहीं चलेगा वो बेसिकली, तो मैक्स लगा दें, मैक्स कॉलन 4, ठीक है। मिनिमम कितना होना चाहिए,
तो इतना यहाँ पे हम कर सकते हैं, लाइक वो आप कर सकते हैं मिनिमम। देखिए मैं नेम पर लगा करके दिखाता हूँ, मिनिमम चल जाएगा इस पे। लाइक यहाँ पे सेंड करता हूँ मैं, तो यहाँ पे इसलिए नहीं चल रहा क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग है। बेसिकली मैंने आपको पहले ही बताया था कि नेम पर नहीं चलेगा, ये नंबर्स पर चलेगा। नंबर कितना होना चाहिए, ठीक है? तो ये आप चेक कर ले सकते हैं कि आपका नंबर कितने का होना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ से डेटा आपका सक्सेसफुल ऐड होता जा रहा है। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम देखने वाले हैं रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को कैसे यूज करते हैं, तो आप देखिएगा उसे, काफी इंपॉर्टेंट ट्यूटोरियल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, जब तक के लिए इसे यूज करें।